हरियाणा में ईडी का अगला टारगेट कौन? कांग्रेस का कौन सा नेता ईडी के रडार पर? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रावदान सिंह, धर्म सिंह छोकर और सुरेंद्र पवार के बाद अब अगला नंबर किसका? सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रावदान सिंह का लगेगा अगला नंबर। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी तोड़ेगी सिर्फ कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कमर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। हरियाणा में अक्टूबर में 2024 विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले जहां कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी हुई थी, कांग्रेस की कोशिश पूरी तरह से यही थी कि किसी भी तरह से बीजेपी के हाथ से सत्ता को छीनकर खुद हरियाणा के तख्त पर बैठ जाए। लेकिन कांग्रेस के इन मंसूबों पर ईडी के टैंकर ने पानी फेर रखा है। 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी वोटरों को साधने के साथ साथ शायद कांग्रेस के नेताओं की भ्रष्टाचार वाली फाइलें भी साथ लेकर दिल्ली गए थे, क्योंकि अमित शाह के हरियाणा दौरे के ठीक तुरंत बाद शांत बैठी ईडी ने कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के भीतर अशांति फैला दी। सबसे पहला नंबर लगा महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास रावदान सिंह का। ईडी ने रावदान सिंह के 16 ठिकानों पर लगातार 2 दिन तक रेड कर कई बड़े बड़े सबूत जमीन के भीतर से खोद डाले। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल पुराना कांड जो कभी ठंडे बस्ते में पड़ा था, उसे ईडी ने अपनी भट्टी पर एक बार फिर रखकर ऐसा गर्म किया कि हुड्डा साहब की रात की नींद और दिन का चैन सब खो गया। हालात यह है कि हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद ईडी की कार्रवाई पर पूरी तरह से खामोश है। हुड्डा साहब के मुंह से एक बार भी ये सुनाई नहीं दे रहा है कि ये कार्रवाई जानबूझकर बीजेपी ने करवाई है। खैर, हुड्डा साहब के साथ साथ ही सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और उनके बेटे को तो ईडी ने सिर्फ आंख नहीं दिखाई बल्कि अपने साथ धरकर ही ले गई। कांग्रेस पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि अगला नंबर किसका लगने वाला है। क्या कांग्रेस के कुछ और नेता भी हैं जिनकी फाइलों को खोलने की तैयारी में ईडी लगी हुई है? क्या कांग्रेस के कई और बड़े नेता भी ईडी के लपेटे में जल्द आ सकते हैं? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि क्या जल्द पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रावदान सिंह भी अपने साथी सुरेंद्र पवार का साथ निभाने के लिए जेल जाने वाले हैं? ईडी की इस पूरी कार्रवाई को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।